हाय ऑल माई डियर स्टार्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दट स्टार्स ट्रिपल नाइन उम्मीद करती हूँ गाइस सबसे बच्चे होंगे पॉजिटिव होंगे एंड पॉजिटिव इनफॉर्मेशन आप, आप लोग देते रहोगे तो यस जैसे कि आपने तमिल में देखा है आज हम रीडिंग करने वाले हैं सोलर इक्लिप्स की जी हाँ यहाँ पर सोलार इक्लिप्स जो है ये सेकेंड अक्टूबर को पड़ता है गाइस लेकिन ये कहीं ना कहीं इंडिया में आपको दिखाई नहीं देगा लेकिन इसका जो असर रहेगा ना हमारे लाइफ में ज़रूर पड़ता है राइट तो ये सोलर इक्लिप्स इन लिब्रा है ठीक है वो हम डेप में जानने की कोशिश नहीं करेंगे यहाँ पर हम रीडिंग देखेंगे सोलर इक्लिप्स के तहत आपके जीवन में means, जो आपके जीवन का अनदेखा है मुझे पता है आप सोलर इक्लिप्स या फिर मून एनर्जी के रिलेटेड रीडिंग नहीं देखते हो गैस लेकिन फिर भी मैं रीडिंग डालने का काम करती हूँ ये मेरा काम है एंड में करती रहूंगी राइट तो यस यहां पर हम लोग एनर्जी लेते हैं पाइल्स के तौर पर सीधे सीधे आपके डेट ऑफ बर्थ मैंने रखे हैं ठीक है पाइल नंबर वन के लिए कार्ड रहेगा ये वाला ओके okay? यहाँ पर पाइल नंबर वन के लिए डेट ऑफ बर्थ से ये एंड उसके लिए कार्ड रहेगा फिनेंशियल कंस्टेंस ठीक है तो यहाँ पर कुछ फिनेंशियल कंस्टेंस हो सकते हैं दैट्स वाई ये एनर्जी निकलेगा इस ठीक है guys, जैसे 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 आपके कुछ कंस्टेंस रहेंगे उसी हिसाब से एनर्जीज भी निकलती है ठीक है पाइल नंबर टू के लिए रहेगा इट्स कॉन कॉपिया ओके okay. अगर आपको डेट ऑफ बर्थ अच्छा लगता है तो उस हिसाब से रीडिंग को देखिए या फिर आप पिकअप कार्ड के हिसाब से रीडिंग को चेकआउट कर सकते हो ठीक तो है तो यस चलिए बढ़ते हैं पायल नंबर वन की तरफ देखते हैं सोलर इक्लिप्स के तहत आपके जीवन में एक्सपेक्ट अनएक्सपेक्टेड क्या रहेगा लेट्स बिगिन विथ पाइल वन पीपल हे माय डियर पायल वन पीपल तो अगर आपने डेट ऑफ बर्थ ये चूज करे है गाइस ओके okay? और अगर आपने फीनांशियल कंसर्नस का कार्ड चूज़ किया है तो ये पाइल वन है एंड वेलकम ऑन योर रीडिंग तो आज की जो रीडिंग रहेगी कह, कहीं कहीं ना कहीं सोलर इक्लिप्स के चलते है ये सोलर इक्लिप्स जो है ये सेकेंड अक्टूबर को पड़ रहा है दैट इज कल है एंड uh, कहीं ना कहीं ये इंडिया में नहीं दिखेगा गाइज लेकिन इसकी एनर्जीज ना हम पर प्रभाव डालती ही डालती है राइट right? तो एक्सपेक्ट दी अनएक्सपेक्टेड रहेगा पाइल नंबर वन आपके लिए वो हम यहाँ पर चेकआउट करते हैं लेकिन आपकी एनर्जी अगर मैं रीड करूँ ना पाइल वन तो मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है कि आप ना लिटरली uh, पैसों के चलते बहुत स्ट्रगल कर रहे हो राइट पैसों के चलते हो सकता है आपके uh, मैं कहूँ तो स्टेबिलिटी के चलते हो सकता है मैरिज के लिए हो सकता है तो एक तरीके से ना मुझे कोशिश यहाँ पर दिख रही है इस कोशिश स्ट्रगल दिख रहा है कि लॉट ऑफ कॉम्पिटिटर्स हो सकते हैं लॉट ऑफ हेटर्स आपके आसपास हो सकते हैं राइट एंड कहीं ना कहीं फिनांशियल कंसर्स का मैसेज है दैट मीन्स कहीं ना कहीं ना आपकी ज़िंदगी का जो कबड़ है ना फाइल नंबर वन वो कहीं ना कहीं खाली है ओके एंड यूनिवर्स से आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये जो खाली कबड़ है या फिर ये जो खाली आपका एक दुनिया हो सकता है खाली दुनिया भी हो सकती है खाली घर हो सकता है मकान हो सकता है वहाँ चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे हो गैस ओके okay, वहाँ पर आप चीज़ें अनएक्सपेक्टेड मांग रहे हो यूनिवर्स से या फिर आप ना इच्छा कर रहे हो कि जो मेरे तरफ अभी नहीं है वो यूनिवर्स मेरे झोले में डाले या फिर यूनिवर्स मेरे तरफ सारी चीजें लेकर आए कि जहां पर आपका कबर जो है ये फुल हो जाए ठीक है आपका लाइफ का कबर जो है ये फुल हो जाए इस कदर आप लोग यहाँ पर विश कर रहे हो या मांग रहे हो एंड जैसे कि ये फिनेंशियल कंसेंस का मैसेज निकला है पाइल नंबर वन पीपल इट्स अ क्लियर थिंग कहीं ना कहीं ये जो आपकी कमी है ना ये यूनिवर्स आपकी पूरी करने वाले है आने वाले समय के लिए ठीक है अगर मैं यहाँ पर टाइमिंग गिनाऊँ तो मुझे कहीं ना कहीं फोर वीक्स भी दिख रहा है कुछ ओवर्स के लिए एंड यहाँ पर फोर uh, महीने भी दिख रहे हैं चार महीने भी हो सकता है गैस ठीक है यस फोर वीक्स फोर मंथ्स आपके हिसाब से आपको लेना है गैस लेकिन यहाँ पर जो भी कमियां हैं आपके जीवन के ओके okay, वो कहीं ना कहीं यूनिवर्स यहाँ पर भर देंगे ठीक है यहाँ पर स्पेसिफिकली आपके मनी के चलते इशू है आपके करियर रिलेटेड हो इशू हो सकता है एग्जाम्स के चलते इशू हो इशू है ठीक है फेल्यूअर्स आप लोग देख रहे हो या फिर लॉसेस आप लोग देख चुके हैं तो ये कहीं ना कहीं यूनिवर्स भर कर निकालेंगे ये मेन एनर्जी आपकी रहेगी फाइल वन ठीक है आपके हिसाब से आपको लेना है गाय क्योंकि यहाँ पर ना मुझे लॉसेस दिख रहे हैं ये लॉस किसी भी चीज का हो सकता है आपके प्रोफेशनल लॉस पर्सनल लाइफ राइट बिजनेस लाइफ भी हो सकता है कि जहाँ पर आप लोग लॉस देख रहे हो एंड ये करियर भी है इस आपका करियर है एग्जाम्स हैं, ठीक है यहाँ पर देखिए कुछ तो लिखा हुआ है ठीक है तो करियर रिलेटेड आपके कुछ इश्यूज हो सकते हैं फेल्यूअर्स आप लोग बार बार फेल हो फेल हो रहे हैं इंटरव्यूज में हो सकता है कि आप लोग बार बार फेल हो रहे हैं राइट right? साथ ही साथ कहीं पे ट्रैवलिंग आपका रहेगा तो वहां पर आप लोग फेल हो रहे हो तो कहीं ना कहीं जो फेल्यूअर्स है ना पायल नंबर वन पीपल आपकी लाइफ का वो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि अनएक्सपेक्टेड चीजें आपके जीवन में आ रही है सो आपको एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड अभी रेडी होने के लिए कह है रहे हैं यूनिवर्स ये सोलर इक्लिप्स के तहत राइट तो चलिए देखते हैं हम डेप्थ में पायल वन आपके लिए क्या रहेगा सोलर इक्लिप्स के चलते आपके जीवन में एक्सपेक्ट दी अनएक्सपेक्टेड क्या रहेगा पायल वन ठीक है सो तो जो अनदेखा है आपके जीवन में उसकी आपको उम्मीद मिलने वाली है वो जो खाली जो चीज़ है वो आपके जीवन में भरने वाले है यूनिवर्स वो क्या रहेगा हम देखते हैं पायल वन राइट लेट्स लेट्स सी पाइल वन आपके लिए क्या रहेगा यू हैव योर मेजिशियन की एनर्जी वाव पहली एनर्जी मेजिशियन निकली है गाइस ओके तो आपकी राशि पर जमना रह सकती है वाव टू मेजर अरकाना स्पाइल नंबर वन आपके लिए वैसे तो ऑल जोड़ा एक साइंस है ठीक है यस टू मेजर अरकाना एट ऑफ सोच की एनर्जी है राइट उसके बाद है यहाँ पर पेज ऑफ सोच की एनर्जी तो जेमिना जम, लिब्रा एक्वेरियस आप रहोगे राइट टेन ऑफ सो देखिए जमना लिपरा एक वेरी स्ट्रॉन्ग है पायल वन आपके लिए ओके एंड वन मोर लेते इट्स क्वीन ऑफ वन की एनर्जी ओके बॉटम में चेकआउट करते गाइस आपके लिए क्या मैसेज है इट्स वाव देखिए टेन ऑफ कप्स की एनर्जी ब्यूटीफुल एनर्जी गाइस ब्यूटिफुल देखिए यहाँ पे फिनेंशियल कंसर्स अगेन मैसेज मिला है गाइस फाइव ऑफ पेंटिकल्स से फिनेंशियल कंसर्स को दिखाता है लॉस को दिखाता है कमियाँ को दिखाता है राइट right डिप्रेशन को दिखाता है या फिर मैं कहूँ तो आ, सेपरेशन को भी दिखाता है राइट आपके हिसाब से सबको लेना है गाइस ठीक है so, सो सोलर इक्लिप्स के तहत पाई वन पीपल आपके जीवन में एक्सपेक्ट दी अनएक्सपेक्टेड क्या रहेगा ओके पहली चीज मुझे दिख रही है गाइस कि सोलर इक्लिप्स के तहत ना आप अपने पावर में रहोगे पावर में ओके क्योंकि ना मैं देख पा रही हूं गाइस कि हो सकता है अभी अभी सिचुएशन ऐसी है कि अभी हो सकता है या फिर ना ये लंबे समय से हो सकता है जैसे कि अपना एक मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहे हैं ओके मेंटल ट्रॉमा या कुछ भी हो सकता है ये नेगेटिव एस्पेक्ट्स हो सकते हैं नेगेटिव लोग हो सकते हैं कर्मा हो सकता है राइट right? कर्मा कार्मिक फेजेस हो सकते हैं एनसस्टल फेजेस हो सकते हैं कि जहाँ पर ना आपके कुछ भी काम बन नहीं रहे हैं आपके मन्नतें रंग नहीं ला रही है राइट right? आपके डेस्टिनी आपके साथ नहीं आपका लक ओके लक आपके साथ नहीं है तो एक तरीके से पायल वन हो सकता है कि आप लोग ना कम्प्लीटली डिप्रेस हो चुके हो उम्मीद आपने खो दी है लॉसेस आपके हो रहे हैं राइट right? ये लॉसेस कुछ भी हो सकता है जैसे कि मैंने आपको बताया गाइज ठीक है इसके चलते आप लोग उम्मीद ही नहीं कर रहे हो कि आपके जीवन में पॉसिबिलिटीज आएंगी गुड न्यूज़ का दौर आएगा या फिर आपकी मन्नतें पूरी होगी आप लोग उम्मीद नहीं कर रहे हो गाइस ओके okay? यहाँ पर मैं नेगेटिव क्यों बता रही क्योंकि नेगेटिव एनर्जीज है गाइस मैं ऐसे ही नहीं बताती हूँ आपको राइट right? तो यहाँ पर एट ऑफ सोट्स की एनर्जी यहाँ पर टेन ऑफ सोट्स की एनर्जी है दैट मीन्स निगेटिव एस्पेक्ट्स आपके चल रहे हैं आपके लाइफ में लेकिन यहाँ पर सोलर इक्लिप्स के चलते आप देखोगे कि जहाँ पर आपने उम्मीद खोई है पायल वन पीपल वो कहीं ना कहीं रंग लाने वाली है एंड आपके मैनिफेस्टेशन यहाँ पर आपके पूरे होने वाले हैं इस सोलर इक्लिप्स के चलते क्योंकि यहाँ पर आप जितना कोशिश कर रहे हो गाइस ओके okay, या कर चुके हो उसका मुआवजा उसका फायदा ये सोलर इक्लिप्स आपको देगा राइट right? तो कहीं ना कहीं जो अभी आपके जीवन में अनक्लियर है अनक्लियर है ओके okay, वो कहीं ना कहीं क्लैरिटी के तौर पर अभी आपको यूनिवर्स देंगे ये आपके मैनिफेस्टेशन का ही फल रहेगा ये आपके दुआओं का फल रहेगा पायल वन की देर ही सही आपके जीवन में खुशियाँ वापस लौट कर आएगी लेकिन इसके लिए आपको ना ग्रैप करने के एनर्जी में रहना है पायल वन ठीक है ग्रैप करने के रहना है साथ ही साथ ना इन सिचुएशन के लिए आपको एक्टिव भी रहना है इस पर एक्शन भी लेना है कदम भी रखना है क्योंकि मैनिफेस्ट मैजिशियन ना ये यही बताता है ये नो no डाउट ये मैनिफेस्टेशन को दिखाता है लेकिन ये बताता है कि आपको काम भी करने के लिए कहा जा रहा है ओके क्योंकि अभी सोलर इक्लिप्स के चलते पायल वन आपकी डेस्टिनी यहाँ पर चेंज हो रही है आपका लक फैक्टर यहाँ पर चेंज हो रहा है कि जहां पर टेन ऑफ सोट्स के एनर्जी से निकल कर, आपकी डेस्टिनी आपके साथ देगी यहाँ पर आपका कार्मिक फेज यहाँ पर खत्म होगा पाइल वन ठीक है जो भी आपका कार्मिक फेज हो सकता है गैस ओके मैरिज के चलते हो सकता है के चलते हो सकता है फिनासेस के चलते हो सकता है एंड okay? जब ये खत्म होते हैं तो जाहिर तौर पर आप अपने पावर में रहोगे पायल वन ठीक है इस कदर पावर में रहोगे कि आप ना इन सारे नेगेटिव बंधनों से आजाद होंगे मुक्त होंगे एंड आप कॉन्फिडेंटली इन सारी चीजों पे काम करने वन, राइट? तो यहाँ पर मेजिशियन की एनर्जी है Queen of Wands के एनर्जी है कि जहां पर ना आप सारी चीजों को ग्रैप करने लगोगी आपने सोचा नहीं है इस ओके okay? तो कहीं ना कहीं एक तरीके से क्लैरिटी आपकी तरफ आएगी एंड ना ये क्लैरिटी इस कदर आएगी कि आपकी तरफ कोई हाथ बढ़ाएगा आपको कोई ऑफर देगा ऑनलाइन आपसे जुड़ेगा राइट या फिर ऑनलाइन आपसे कनेक्ट होगा आपको ईमेल के जरिए कनेक्ट करेगा राइट या फिर मैं कहूँ तो आ, कोई आपस स्पाई रखेगा आपके ऊर्जा को देखकर कर आपकी शक्ति को देखकर आपके पावर को देखकर आपको कोई स्पाई रखेगा यह रख रहा है हैगा ओके आपकी इन पॉजिटिविटी को देख कर, कोई आपस स्पाई रख रहा है लेकिन हो सकता है आप इतने निगेटिव ट्रामा में हो कि आप आसपास की एनर्जी को नहीं देख रहे हो लेकिन पायल कहीं ना कहीं जैसे कि मैंने बताया सोलर इक्लिप्स आपके जीवन का जो एक लक है ना फॉर्च्यून है कहीं ना कहीं वो यहाँ पर मुझे होता हुआ दिख रहा है ओके फॉर्च्यून लक फैक्टर आपके जीवन में आ रहा है जहां पर आपके जीवन के सारे जो मसले हैं हल होने वाले हैं सारे मसले ठीक है चाहे वो आपका पार्टनर के चलते है बेबी के चलते है रिलेशनशिप का मसला है सेपरेशन है जैसे कि मैंने कहा सेपरेशन हो सकता है फिनेंशियल लॉस हो सकता है राइट तो अब ये सारे कप्स जो है आपके फुलफिल हो जाएंगे इस सोलार इक्लिप्स के चलते लेकिन कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिव रहना है साथ ही साथ आपके मैनिफेस्टेशन पे आपको भरोसा रखना है फेथ रखना है कि मेरा यूनिवर्स मुझे देकर ही रहेगा ना कि इस एनर्जी में रहना है पायलवन, वन ठीक है स्ट्रगल्स आप जो कर रहे हो जो कि मैंने आपको सैकिक लेवल पर बताया है उसका मुआवजा उसका फल तो आपको मिलकर ही रहेगा जो कि टेन ऑफ कप्स ने आपको बताया है ठीक है तो जाहिर तौर पर आपके जो भी यहाँ पर विश रह के गाइस ओके जो भी विश रह सकती है आपकी या आपका घर हो सकता है मकान हो सकता है ट्रैवलिंग फेस हो सकता है बच्चे हो सकते हैं फर्स्ट बेबी सेकेंड बेबी थर्ड बेबी आपके हिसाब से को लेना है पार्टनरशिप का इशू हो सकता है राइट right? पार्टनर का इशू हो सकता है कोलैबोरेशन हो सकता है किसी के साथ राइट फिनेंशियल यहां पर मुझे कंस्टेंस खत्म होता हुआ दिख रहा है मैंने कहा यहाँ पर कि जो आपका खाली कबर है ना वो कहीं ना कहीं यूनिवर्स भर देंगे कि जहाँ पर सारे टेन कप्स आपके फुल होने वाले गैस ओके okay? इस सोलर इक्लिप्स के चलते एंड दिस विल बी अनएक्सपेक्टेड गाइस ओके ये आपके लिए अनएक्सपेक्टेड रहेगा जो कि यूनिवर्स की तरफ से रहेगा सो एक्सपेक्ट दी अनएक्सपेक्टेड करेक्ट तो जो ये सारी चीजें अनदेखी गाइस आपके आपकी ज़िंदगी में अभी अभी आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं ये बिहाइंड द सीन्स यूनिवर्स आपके लिए कर रहे हैं आप सिर्फ अपने ट्रॉमा में हो आप आप सिर्फ अपने नेगेटिव थॉट्स में हो एंड कहीं ना कहीं मैंने जैसे बताया कि आप इस कदर पावर में रहोगे कि इस 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 जकड़न से भी आप लोग आजाद रहोगे क्योंकि आप ना लिटरली सारे चीज़ों चीज़ों पर हुकूमत करने वाले हो या फिर सारे चीज़ों को आप लोग गेन करने वाले हो अपने पावर के दम पर पायल वन ठीक है एंड इसी के चलते आपके लाइफ के सारे कप्स जो है ये फुल होंगे एक रेनबो फेज आप देखोगे अपने लाइफ में जो कि सोलर इक्लिप्स लेकर आया है एंड दिस विल बी अनएक्सपेक्टेड फॉर यू पायल नंबर वन करेक्ट तो यहाँ पर कुछ मैसेजेस भी लेते हैं पायल वन आपके लिए लेट्स सी बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेजेस मुझे अभी भी मिल रहे गाइस लेकिन मुझे रीडिंग को लेंदी नहीं करनी है क्योंकि मुझे लेंदी रीडिंग्स नहीं देखते हो राइट right? येस yes, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर कुछ एंजल नंबर आपको देखेंगे बता देती हूँ मैंने आपको यहाँ पर टाइमिंग बताया है कि कब तक आ जाएगा क्योंकि ये जो सोलर इक्लिप्स रहता है ना ये थ्री मंथ्स तक रहता है गैस ओके okay? थ्री टू तो फोर मंथ्स तक रहता है तो कुछ और के लिए हो सकता है कि फोर वीक्स तक ही ये आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाए या ज्यादा से ज़्यादा मुझे फोर मंथ्स का टाइम दिख रहा है ज़्यादा से ज़्यादा गैस ठीक है तो यहाँ पर आपको एंजल नंबर्स दिखेंगे ट्रिपल वन टेन टेन नंबर उसके बाद ट्रिपल एट एलेवन लेवन टेन टेन नंबर आपको ज्यादा दिखेंगे गाइज ओके okay? तेरह तेरह टेन टेन नंबर आपको ज्यादा दिखेंगे क्योंकि यहां पे देखिए टेन टेन एंड टेन तो टेन टेन एंजल नंबर या टेन टेन टाइम जोन है जो ये आपको ज्यादा दिखेगा फाइल वन ठीक है ट्रिपल वन डबल वन डबल वन भी आपको ज्यादा दिखेगा करेक्ट यहां पर ना अगर गाइज कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स है आपके जीवन के मैंने जैसे पता कि जो लॉसेस आप लोग देख रहे हो राइट तो आपको ऐसा लग रहा है कि किसी किसी ने आप पर किया है या ज्यादा टोना किया है इविल आई किया है तो वो भी कहीं ना कहीं हट जाएगा ओके आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सोलर इक्लिप्स ऐसा है ना कि सारे नेगेटिव चीजों को आपके जीवन से हटा देगा एंड दैट्स वाई मैंने कहा कि ये जो खाली कबड़ है ना अभी यूनिवर्स आपके भर देंगे खाली है, कुछ भी हो सकता है आपके जीवन का ठीक है तो वो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपके भर देंगे इस सोलार इक्लिप्स के चलते जो कि कल है सेकेंड अक्टूबर को राइट तो उसके बाद थ्री मंथ्स का टाइमिंग रहता है कि इसका इफेक्ट्स अभी भी हमारे लाइफ में रहता है राइट तो यहां पर आपके लिए मैसेज देखते हैं यू हैव योर होल योर विजन तो होल्ड करिए गए ओके जो भी आपके विज़न आप है उसको होल्ड करिए मिलना है आपके सक्सेस को कोई छीन नहीं सकता है आपकी कामयाबी को ठीक है शो द वर्ल्ड द रियल यू तो अभी यूनिवर्स आपको इस कदर सारी चीजें देंगे कि जहां पर आप लोगों को साबित करोगे कि आप क्या हो आप क्या कर सकते हो आप में क्या क्षमता है में क्या पॉसिबिलिटीज करने की ताकत है वो आप दुनिया को दिखाने वाले हो इस सोलर इक्लिप्स के चलते गए ओके सो नथिंग इज इंपॉसिबल इन द वर्ल्ड कि जहां पर एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड आपके जीवन में आने वाला है ओके okay? इस रीडिंग के तहत पाई वन एंड बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं योर हार्डवर्क इज पेइंग ऑफ जो कि मैंने शुरुआत में आपको बताया था ओके विदाउट कार्ड मैंने जो आपको रीडिंग बताई थी वो कहीं ना कहीं यही है कि योर हार्डवर्क इज पेइंग ऑफ तो आपके हार्डवर्क आपके श्रम का जो मुआवजा है आपको मिलकर रहेगा जो कि ये सोलर इक्लिप्स आपको देकर ही रहेगा बाई वन ठीक है तो अपने कोशिश पर टिके रहिए बने रहिए हार नहीं मानना है पीछे मुड़के देखना नहीं है आपके लाइफ में जो भी कमियां हैं अब ये सोलर इक्लिप्स भर के देगा एंड इसके लिए आपको पॉजिटिव रहने के लिए कहा जा रहा है ग्रेटिट्यूड देने के लिए कहा जा रहा है तो इसी के साथ में इस रीडिंग को एंड करती हूँ माय डियर पायल वन पीपल एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग बाय टेक केयर गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल हेलो माय डियर पायल टू पीपल यस वेलकम ऑन योर रीडिंग गाइस तो आज की जो रीडिंग रहेगी सोलर इक्लिप्स के चलते हैं जो कि सेकेंड अक्टूबर को पड़ रहा है ओके सो एक्सपेक्ट दी अनएक्सपेक्टेड की रीडिंग हम करने वाले हैं जो कि सोलर इक्लिप्स आपकी जिंदगी में लेकर आया है तो आपने चुना है ये इस डेट ऑफ बर्थ को ओके okay? तो ये पाइल नंबर टू है एंड साथ ही साथ ना आपने चुना है कौन कोपिया को राइट को, right? तो चलिए गाइस देखते हैं एक्सपेक्ट दी अनएक्सपेक्टेड आपके जीवन में क्या होगा पाइल टू जहाँ तक मुझे आपकी एनर्जी फील हो रही है ना गाइज वाकई में आप अपने जीवन में ना लॉट ऑफ खुशियाँ चाहते हो ओके एक गोल्डन लाइट चाहते हो हैप्पीनेस चाहते हो लेकिन इसके चलते ना पायल नंबर पायल नंबर टू हो सकता है आपके जीवन में ना क्लैरिटी नहीं है कुछ ओके okay? क्लैरिटी भी नहीं है साथ ही साथ ना कुछ बर्डन आपके कंधे पे हो सकता है सिर पे हो सकता है या फिर ना सीने में हो सकता है गैस ओके okay? कुछ बर्डन है कि जिसके चलते आपकी खुशियाँ आने के लिए रोक रहे हैं आपके जीवन में पॉसिबिलिटीज आने के लिए रोक रहे हैं ओके okay? आपने तमाम कोशिश करी है अपने लाइफ में लेकिन फिर भी ना पायल नंबर टू आप लोग काफ़ी परेशान हो सकते हो नो डाउट यह कौन कॉपिया की एनर्जी है गाइज़ लेकिन फिर भी ना पाइल नंबर टू वीवर्स आप लोग परेशान मुझे दिख रहे हो किसी सिचुएशन को लेकर अपनी खुशी को लेकर राइट अपने आइडियाज़ को लेकर अपने प्रोफेशन को लेकर जॉब को लेकर आपके हिसाब से आपको लेना है गाइज ठीक है लेकिन आप अपने लाइफ में ना लिटरली चाहते हो कि आपके मेहनत का फल आपको मिले आपके खुश आपके लाइफ में ये रोशनी की किरण आए ऑफ़ ट्रांसफॉर्मेशन आपके जीवन में आए लॉट ऑफ गुड न्यूज आपके जीवन में आए ओके पर कहीं ना कहीं ना पाइल नंबर टू ऑब्सटिकल्स आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा है एंड ना इसके चलते आप लोग क्लैरिटी चाहते हैं यूनिवर्स से ओके okay? यूनिवर्स से आप लोग क्लैरिटी चाहते हो ठीक है ये कुछ मुझे एनर्जी फील हुई है दावा मैंने बताया गाइज ओके विदाउट काज वे मैं रीडिंग करती हूँ राइट एंड इसके चलते मैंने बताया तो लेट्स सी गाइज एक्सपेक्ट दी अनएक्सपेक्टेड अभी आपके जीवन में क्या होगा जो कि ये सोलर इक्लिप्स लेकर आया है आपके जीवन के लिए ओके मुझे पता है आप ऐसी रीडिंग्स नहीं देखते हो लेकिन फिर भी मैं ये रीडिंग्स डालने का काम करूंगी गाइज ओके लेट्स सी एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड आपके जीवन में क्या होगा पायल नंबर टू के लिए ओके यहाँ पर अगर मैं टाइम लाइन की बात करूँ गाइज तो मुझे यहाँ पर आपके लिए दिख रहा है एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड टू मंथ्स का समय रहेगा टू मंथ्स ओके टू मंथ्स कुछ व्यूवर्स के लिए रह सकता है या फिर टू वीक्स में भी आ सकता है ओके लेकिन टू मंथ्स ज्यादा से ज़्यादा मुझे इलेवन वीक्स का दिख रहा है इलेवन वीक्स ये बहुत ही कम वीवर्स के लिए रह सकता है लेकिन टू मंथ्स या टू वीक्स ओके इस कदर मुझे टाइमिंग आपके लिए दिख रहा है ओके हालांकि आप लोग यहाँ पे कौन कॉपियाँ का इंतजार कर रहे हो लॉट ऑफ खुशियाँ लॉट ऑफ हैप्पीनेस सक्सेस राइट या फिर मैं कहूँ तो uh, पार्टी एन्जॉयमेंट च्योरफुल मोमेंट इसका आप लोग इंतज़ार इन, कर रहे हो या फिर ना इसके रिलेटेड आप लोग काफ़ी कोशिश कर रहे हो कुछ वर्ड्स के लिए हो सकता है गैस कि आपकी लाइफ में ना थर्ड पार्टी सिचुएशन है ओके थर्ड पार्टी सिचुएशन ये थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकता है गैस कुछ भी हो सकता है आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी हो सकता है आपकी पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है एंड इसके चलते ही मैंने कहा गाय कि कुछ क्लैरिटी आप चाहते हो कुछ सच्चाई आप चाहते हो या फिर मैं कहूँ तो आ, कुछ ट्रूथ आप चाहते हो ओके okay? ट्रूथ संवाद आप चाहते हो संवाद ठीक है तो इसके चलते कुछ मुझे दिख रहा है पायल नंबर टू आपके लिए लेट्स सी गाइस एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड अभी आपके जीवन में क्या होगा पायल नंबर टू लेट्सी पायल टू पीपल एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड क्या रहेगा यूनिवर्स यूनिवर्सायल नंबर टू ओके ओके कार निकला है वो है एम्प्रर की एनर्जी है वाओ मेजर हरकाना निकला आपके लिए देन यू हैव डेविल की एनर्जी ओके टू मेजर अड़काना पायल नंबर टू आपके लिए ओके okay? सो so, आपकी राशि यहाँ पर एरिस साइन हो सकते हो या फिर कैप्रिक हो सकते हो आप लोग राइट right? उसके बाद है यहाँ पर नाइट ऑफ पंटकल स्टोरस हो गए कैप्रिक ओके देन यू हैव यर सेवन ऑफ वॉन्स एरिसजिटेरियस यू हैव टेन ऑफ कप्स ये अनफोल्ड हुआ था लेकिन मैंने लिया नहीं गई ओके वापस आया है ये इट्स कैंसर पैस कॉपियो ओके एंड वन मोर लेते हैं यू हैव यर इट्स टेम्परे की एनर्जी वाओ पायल नंबर टू आपके रीडिंग में ना थ्री मेजर खरका नाज निकले थ्री मेजर सो so, कहीं ना कहीं मेजर तौर पर अभी आपके जीवन में एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड आप देखोगे राइट right? मतलब आप उम्मीद ही नहीं कर रहे हो गैस कि ये चीजें होंगी लेकिन फिर भी आपके एक्सपेक्टेशन को मीट करेगा वैसे ही चीजें अनएक्सपेक्टेड आपके जीवन में होगी पायल टू ओके सो बॉटम ऑफ द डेक भी चेक करते हैं क्या है पायल टू आपके लिए यू हैव ये फाइव ऑफ वॉन्स करेक्ट पे देखिए किंग ऑफ वॉन्स की एनर्जी ओके पायल नंबर टू कहीं ना कहीं ना मैंने जैसे बताया आपको कि आपके लाइफ में ना एक तरीके से ना लॉट ऑफ स्ट्रगल्स है स्ट्रगल से ज़्यादा ना पायल नंबर टू किसी चीज को लेकर काफी कशमकश है कि होगा या नहीं होगा मेरे हाथ से हो बनेगा या नहीं बनेगा ओके लॉट ऑफ डिबेटिंग फैक्टर्स भी हो सकते हैं अंदरूनी तौर पे भी स्ट्रगल हो सकते हैं बाहरी तौर पे भी स्ट्रगल हो सकते हैं आप खुद को साबित करने की कोशिश कर रहे हो आप ना नेगेटिव चीज़ों से लड़ने की कोशिश कर रहे हो किसी एडिक्शन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो राइट right? ये एडिक्शन कुछ भी हो सकता है ऐसे पर्सन का एडिक्शन हो सकता है फैमिली का जहरीलापन हो सकता है राइट right? या फैमिली का टॉर्चर हो सकता है फैमिली के बीच में ही टकर टकरार हो सकता है टकराव हो सकता है राइट? तो ये चीजें तो पायल नंबर टू मैंने कि कहा कि नो आप कौन, कौन का इंतजार कर रहे हो खुशियां बहुत समय से हो सकता है कि, कि किसी नेगेटिव चीजों का घेरा है या फिर ना नेगेटिव लोग आपके आसपास इस कदर है कि जहां पर ना खुशियां आने के लिए वो रोक रहे हैं या फिर खुशियां आपके लाइफ से लाइफ में आते आते रह जाती है पायलट ओके okay? तो ये एनर्जी मुझे दिखी है दैट्स व मैंने आपको नरेट किया गया आपके हिसाब से आपको लेना है ठीक है so, सो निगेटिव लोग कुछ भी हो सकते हैं जैसे कि मैंने कहा आपका पर्सनल लाइफ भी हो सकता है प्रोफेशनल लाइफ भी हो सकता है कि जहाँ पर ना लॉट ऑफ चीज़ों का आप लोग सामना गाइस एंड ना इसके चलते पार्टी नंबर टू हो सकता है कि आपको शांति भी नहीं है पीस भी नहीं है ठीक है सो सोलर इक्लिप्स के चलते पहल टू आपके जीवन में एक्सपेक्ट दी अनएक्सपेक्टेड क्या होगा वाकई में अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होंगी आपके लाइफ में क्योंकि जहाँ पर ना आप लोग अभी स्ट्रगल कर रहे हो गैस वहाँ पर आप देखोगे कि ना यूनिवर्स आपको उस जगह पर लेकर जाएगी कि जहां पर आपको छू नहीं सकता पायल नंबर टू क्योंकि आपके मेहनत का फल रहेगा ठीक है कि जहां पर अभी आप स्ट्रगल कर रहे हो अपने लाइफ में ये स्ट्रगल कुछ भी हो सकता है जैसे कि मैंने कहा गाइस ठीक है अपने अपने खुशियों के लिए अपने फैमिली के लिए अपने लाइफ के लिए आप जहां पर स्ट्रगल कर रहे हो वहां पर आप देखो कि यूनिवर्स अभी आपको उस जगह पर लेकर जाएंगे कि जहां पर ना सारे लोग अभी आपको मानने लगेंगे पहचानने लगेंगे क्योंकि आप एम्परा के हदे में रहोगे आप एम्परर बनने वाले आगे जाके गाइस ओके गए एम्परर तक आने की जने आसान नहीं होती है ये आपको भी पता है गाइस ओके एम्परर ऐसा रहता है कि ना लोगों के बारे में सोचता है या फिर ना जो मेहनत करता है उसका ही फल उसको ये गद्दी मिलती है तो यही कुछ पायल नंबर टू के लिए रहेगा कि जहां पर आप मेहनत करते हो तो जाहिर तौर पे यूनिवर्स आपको उस मुकाम तक लेकर जाएंगे कि ये खुशिया आपके कदमों तले आ ही जाएंगी इसमें कोई शक नहीं है कोई डाउट नहीं है पायल नंबर टू ओके सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर मुझे दिख रहा है गाइस कि नो डाउट अभी आपके लाइफ में निगेटिव लोग हैं, निगेटिव चीजें आपके फैमिली में हो सकते हैं फैमिली में टकराव हो सकता है फैमिली में नहीं बन रहा है आपके पार्टनर के साथ नहीं बन रहा है कपल्स के बीच में झगड़े हो सकते हैं बेबी के रिलेटेड लॉट ऑफ ना निगेटिव चीजें आपको बोला जा रहा है टॉन्ट मारा जा रहा है ओके आपको आपको बार बार झुकलाया जाता है बार बार आपको टीस करा जाता है तो वहां पर आप देखोगे यूनिवर्स अभी आपके लिए ऐसा रास्ता बनाएंगे कि निगेटिव चीजें तो जाएंगी ही जाएंगे साथ ही साथ जो अभी कमियां हैं आपके जीवन में इस खुशी के लिए वो कमियां अभी यूनिवर्स आपके लिए भर देंगे आफ्टर सोलर इक्लिप्स ठीक है क्योंकि ना मैंने कहा कि ये जो डेवल की एनर्जी ना अभी आपके जीवन में सारी चीजें अट्रैक्ट करेगा नंबर तो, ओके एट्रैक्ट करेगा कि चाहे कोई पार्टनर रह गया या फिर बच्चा हो गया ओके या फिर रिलेशनशिप रिलेशनशिप में टकराव हो गया फैमिली में टकराव हो गया तो वो कहीं ना कहीं सारी चीजें अभी समेट देगा ये डेविल आपके लिए ठीक है सो ये जो डेविल है कहीं ना कहीं पॉजिटिव चीजें आने का काम करेगा आपके जीवन में जो भी अभी नेगेटिव एस्पेक्ट है आपके जीवन में कहीं ना कहीं वो हट जाएंगे क्योंकि यूनिवर्स अभी आपके जीवन में इस सोलर इक्लिप्स के चलते काफी पॉजिटिविटी लेकर आ रहे जिसकी आप लोग उम्मीद नहीं कर रहे हो पाइल नंबर टू पीपल ठीक है अभी आपके जीवन के सारे जो टेन ऑफ कप्स है ये भर जाएंगे कुछ यूवर्स यहाँ पर पाइल नंबर वन के हो सकते हैं गैस तो अगर बन पड़े तो आप पाइल वन वन की भी रीडिंग चेकआउट कर सकते हो ठीक है तो वहां पर भी टेन ऑफ कप्स की एनर्जी निकली थी यहां पर भी टेन ऑफ कप्स की एनर्जी है हो सकती है कुछ लिंक वहाँ पर से रहे आपका ठीक है तो ये पायल नंबर टू जो भी अभी आपके लाइफ में कमी है या फिर अनदेखा है आपको दिखाई नहीं दे रहा है आप क्लैरिटी चाहते हो तो सोलर इक्लिप्स कहीं ना कहीं आपको क्लैरिटी देगा आपके फैमिली के चलते रिलेशनशिप के चलते पार्टनर के चलते रिश्ते के चलते बच्चे के चलते ठीक है तो वो कहीं ना कहीं सारे कप्स अभी आपके जीवन के भर जाएंगे एंड ये जो कप्स है कहीं ना कहीं आपके लिए अट्रैक्ट हो जाएंगे ये सोलर इक्लिप्स के चलते मतलब ये अपने आप ही आपकी तरफ आने लगेंगे आपके ऊर्जा को देखकर गैस ओके जिस कदर आप लोग कोशिश कर रहे हो उसका फल तो आपको मिलकर ही रहेगा पालटो ठीक है तो यहां पर कोई रिश्ता मुझे आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है कोई प्रपोजल आता हुआ दिख रहा है कोई पोजिशन आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है डेजिग्नेशन आपका बढ़ने वाला है आपके पार्टनर की तरफ से कोई अट्रैक्शन आपकी तरफ आ रहा है आपका पार्टनर आपके लिए अट्रैक्ट हो जाएगा थर्ड पार्टी सिचुएशन आपकी ज़िंदगी से जाती हुई मुझे दिख रही है एंड आपका पार्टनर आपको प्रिफर करता हुआ दिख रहा है आपका पार्टनर आपको चूज करता हुआ मुझे दिख रहा है आपके लिए आपके बच्चों के लिए आपको चूज करता हुआ मुझे दिख रहा है ठीक है बच्चे का मसला मुझे आपके हल होते हुए दिख रहा है आफ्टर सोलर इक्लिप्स ठीक है तो ये चीज़ें कहीं ना कि आपके लिए अट्रैक्ट हो जाएंगे आपको यहाँ पर मशक्कत करने की ज़रूरत नहीं है आपको सिर्फ ग्रेटिट्यूड देना है आपकी कोशिश पर आपको कायम रहना है ठीक है जो कोशिश कर रहे हो जो आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो जो ग्रेटिट्यूड आप दे रहे हो उस पर आपको कायम रहना है नंबर टू पीपल ठीक है तो जाहिर तौर पे ये सारी कौन कॉपियाँ जो है ये सारी खुशियाँ जो है जो आप मांग रहे हो वो कहीं ना कहीं आपके लिए अट्रैक्ट हो जाएंगे ठीक है सबसे इंपॉर्टेंट मुझे और एक चीज दिख रही है पाइल नंबर टू आपके लिए कि आपके जीवन में जो डीले सिचुएशन हो रहा है ना जिसके चलते आप लोग एक संयम एनर्जी में हो ठीक है डील कुछ भी हो सकता है ये आपके मनी मनी हो सकता है जॉब हो सकता है प्रोफेशन हो सकता है करियर हो सकता है राइट कि चीजें बहुत ही धीमे धीमे गति से चल रही थी अभी वहां पर ये यूनिवर्स एंजल्स की इतनी आशीर्वाद बनेगी आपके जीवन में कि अभी जो आपकी लाइफ की गाड़ी वो आगे बढ़ने लगेगी नंबर ठीक है आप अपने सही मुकाम तक जाओगे सही रास्ते तक जाओगे एंड ना ये रास्ता आपके लिए यूनिवर्स खोल देंगे ओके ये रास्ता धीरे ही सही या फिर धीमे धीमे ही सही देर आएंगे लेकिन दुरस्त आपके लिए रास्ता खोल देंगे कि जहां पर आप देखोगे कि एंजल्स की प्रोटेक्शन आपके लिए रहेगी ठीक है एंड आपका पेशेंस लेवल जो है कहीं ना कहीं खत्म होगा आपका संयम खत्म होगा ये सोलह रिक्स के चलते एंड ना इन सारे चीजों पर आप अपना हुकूमत करोगे गाइस ओके आप ना सारे चीजों को लड़कर इस चीजों को हासिल कर लोगे ओके okay? सारी चीजों से मात करके सारे लोगों से मात करके आप लोग सारी चीजें हासिल कर लोगे इस सोलर इक्लिप्स के चलते जो कि आपके लिए अनएक्सपेक्टेड रहेगा पाइल नंबर टू एंड आप लोग एक्सपेक्ट ही नहीं करे गैस कि सडनली आपकी लाइफ चेंज होगी लेकिन यहाँ पर आफ्टर सोलर इक्लिप्स आप देखोगे एक्सपेक्टी अनएक्सपेक्टेड करेक्ट ये ये डीले सिचुएशन कुछ भी हो सकता है गाइस ओके okay? जैसे कि मैंने कहा कुछ वर्ष के लिए हो सकता है इस सोलर इक्लिप्स के बाद में आपका ट्रैवलिंग फेज भी रहे ओके आपके पोजीशन के लिए हो सकता है किसी रिश्ते के लिए हो सकता है या आपका ट्रैवलिंग हो सकता है या फिर कोई आपकी तरफ ट्रैवल करके आ जाएगा ठीक है जिसके लिए आ, हो सकता है कि ये सिचुएशन जो है आपके लाइफ की परत खोल देगा पाल टू ओके जो भी मिसिंग तार है अभी वो खुल जाएंगे आफ्टर सोलर इक्लिप्स पायल टू एंड जो क्लैरिटी आप लोग चाहते हो जैसे कि मैंने कहा वो क्लैरिटी कहीं ना कहीं कि सोलर इक्लिप्स आपके लिए ले, लेकर आ रहा है सो बी रेडी पायल नंबर टू सारी चीजें अट्रैक्ट आपकी तरफ होने वाली है तो आपके एनर्जी को आपको पॉजिटिव रखना है आपको ग्रेटिट्यूड सेंड करना नहीं भूलना है यूनिवर्स को थैंक्स कहना नहीं भूलना है अभी आपका स्ट्रगल जो है एंड हो रहा है आपका एक ना संघर्ष अभी एंड हो रहा है आफ्टर सोलर इक्लिप्स करेक्ट तो यहाँ पर हम लोग मैसेजेस भी लेते हैं पांच नंबर टू एंड यस यहाँ पर ना आपके लिए किंग ऑफ वोन्स की एनर्जी निकली है दैट मीन्स अगेन आप लोग इतने पावर में रहोगे कि आप लोग ना मैं कहूँ तो एक हाईअर पोजिशन में रहोगे साथ ही साथ कोई पर्सन आपसे अट्रैक्ट हो जाएगा आपके और देखकर आपके पॉजिटिविटी को देखकर एंड दैट्स में मैंने कहा कि अभी, अभी आपको पॉजिटिव रहना है गैस क्योंकि एंजल्स की प्रोटेक्शन है डिवान की प्रोटेक्शन है साथ ही साथ आपका जो एक एकदा है आप, आप जो डिजर्व करते हो ना उससे कई ज्यादा आपको मिलेगा पायल नंबर टू में कुछ भी शुगर कोट नहीं कर रही हूं आप जो डिजर्व करते ना उससे कई ज्यादा आपको मिलेगा लेकिन दिस विल बी एक्सपेक्ट दी अनएक्सपेक्टेड पायल नंबर टू ओके यहाँ पर देखिए जस्टिस की एनर्जी है दैट दीन्स आपके जो भी गुड डीड्स है जो भी अच्छे कर्म थे उसका ही ये फल स्वरूप रहेगा कि ये एक्सपेक्टेड अनएक्सपेक्टेड आपके जीवन में आएगा पायल नंबर टू एंड दिस विल बी अ बिग विश फुलफिलमेंट आपके लिए ओके, बिग विश फुलफिलमेंट टू आपके आपके लिए, लिए। करेक्ट। तो चलिए देखते देखते हैं हैं। नंबर से मैसेजेस मैसेजेस योर कमिटमेंट इज बिंग डेफिनेटली अब तक यूनिवर्स ने आपको काफी टेस्ट किया है आपके स्ट्रगल्स को टेस्ट किया है तो अभी ये सारी चीजें आपके मुताबिक होगी आपके फेवर में होगी फेवर में होगी जो कि सोलर इक्लिप्स आपके लिए लेकर आया है टू ठीक है यस yes, तो आपको आंसर मिल गया है योर कमिटमेंट इज बिंग टेस्टेड जो क्लैरिटी आपको चाहिए थी वो कमिटमेंट इज बिंग टेस्टेड ऐसे आंसर आपको मिल चुका है ओके ओके सी सी प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड बात है लॉट ऑफ प्रॉस्पेरिटी लेकर आ रहा है लॉट ऑफ पॉजिटिविटी लेकर आया है आ रहा है आफ्टर सेकेंड अक्टूबर ओके मैंने टाइमिंग आपको बताया है यहाँ पर कि कब तक ये आपके लाइफ में आ सकता है लेकिन आपके एनर्जी पर भी निर्भर रहता है पाल नंबर टू ओके okay? प्रॉस्पेरिटी आपके लाइफ में है अबंडेंस आपके लाइफ में है खुशी आपके लाइफ में है लेकिन इसके लिए आपको पॉजिटिव रहना है इसके लिए आपको अपनी कोशिश को छोड़ना नहीं है ओके सी so, यस yes, तो यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक भी देखते दें बी होल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव डेफिनेटली तो बोल्ड बनिए साथ ही साथ रेडी रहिए अपने नेक्स्ट मुकाम के लिए अपने नेक्स्ट पड़ाव के लिए ओके जाहिर तौर पे आपको क्लियरली मैसेज दिया गया है कि बोल्ड बनिए गए अपने फियर पे कंट्रोल रखिए क्योंकि अभी आपको रेडी रहना अपने लाइफ के नए अध्याय के लिए नए फेस के लिए न्यू सिचुएशन के लिए नए पर्सन के लिए नए जॉब के लिए या फिर नए प्रॉस्पेरिटी के लिए पहल नंबर टू ठीक है जिसकी आप लोग उम्मीद नहीं कर रहे हो यही कॉन कॉपी आपके जीवन में रोशन रोशनमय कर देगा एंड इसके लिए आपको फर्स्ट मूव लेने के लिए कहा जा रहा है इसके लिए आपको रेडी रहने के लिए कहा जा रहा है पायल नंबर टू पीपल ठीक है तो दिस विल बी एक्सपेक्ट दी अनएक्सपेक्टेड फॉर यू गाइस इस पायल टू जो कि सोलर इक्लिप्स लेकर आया है आपके लिए करेक्ट मै डियर पाल टू पीपल तो इसके साथ मैं रीडिंग एंड करती हूँ एंड आई होप का इस एप जरूर करा होगा ये मुझे कमेंट्स में बताना ना भूलिए साथ ही साथ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले सो थैंक यू फॉर लिसनिंग बाय टेक केयर गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल